अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको कोको पाउडर के साथ जो है मिल्क चॉकलेट जो है सिरप बनाना सिखाया था। आज इसका मैं वेरिएंट लेकर आया हूँ, यानी एक वेरिएशन लेकर आया हूँ। ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए और टॉपिंग के लिए, ये वैसे ही ज़बरदस्त किस्म की कोई अपनी आइसक्रीम बनाई हुई है, तो इसके ऊपर टॉपिंग के लिए आपको बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जायके के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान जो है चॉकलेट सिरप बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप गनेश भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। गनेश बेसिकली क्रीम के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं मिल्क होल मिल्क के साथ बना रहा हूँ, जो टेट्रा पैक वाला मिल्क होता है। तो ये आप चॉकलेट जो है सिरप किसी भी किस्म के केक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेयर केक में स्पेशली लगाने के लिए। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने हाफ कप मैंने टेट्रा पैक का मिल्क लिया, ये वाला डेरी प्योर। तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेस्ले का इस्तेमाल कर लें, मिल्क पैक इस्तेमाल कर लें, ऑलपर इस्तेमाल कर लें। तो हाफ कप के लिए मैंने ये मिल्क लिया, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर, और 2 टेबलस्पून के लिए मैंने लिया है पिसी चीनी। मैंने जिस बाउल में बनाया उसमें मैंने डाल दिया। ये जो आपको लिक्विड ही नज़र आ रहा है, ये इस वाटर की वजह से है। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। चीनी हमने डाल दी है पैन के अंदर ऑलरेडी 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हम इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे, कोको पाउडर। दोस्तों आप ये जो चॉकलेट सॉस वाला चॉकलेट सॉस जो हम बना रहे हैं, इसका रिज़ल्ट हमेशा तब अच्छा आएगा जब आपका कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर आपका कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपको चॉकलेट फ्लेवर नहीं आएगा। तो सिंपली आप जो है अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर इस्तेमाल करें मार्केट से। मैंने काफ़ी रिव्यू किए हैं कोको पाउडर के, आप उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। चलो दोस्तों से मिक्स करते हैं। फोर्क लेने सर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स होता है उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। चलो दोस्तों ये हो गए हैं, बाकी जो हीट के ऊपर ये खुद ही हो जाएगा। हम इसे मीडियम हीट के ऊपर कुक करेंगे जब तक ये गाढ़ा सा नहीं हो जाएगा। और सब सर हमने हिलाते रहना साथ में, ताकि ये अच्छे तरीके के साथ बीच में डिजॉल्व हो जाए। चलो दोस्तों जैसे ही ये अच्छे तरीके डिजॉल्व होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, सिरप तैयार होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, जो है 3 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। ये देखिए सॉस कितनी गाढ़ी हो गई है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे चूल्हा हम बंद कर देंगे। दोस्तों अब मैं इसे शिफ्ट करता हूँ एक बर्तन में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और ये इसका फाइनल रिजल्ट मैं दिखाऊंगा कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है और ये बहुत मज़े की बनी है। मैंने इसे थोड़ा ड्यूरिंग प्रोसेस थोड़ा टेस्ट करके देखा है। बहुत अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है और फिलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त ये तैयार है। ये स्प्रिंकल करने के लिए लेयर्स जो हम बनाते हैं केक के, उसके दरमियान या टॉपिंग टॉप पर भी या आइसक्रीम के ऊपर भी। चलिए दोस्तों जैसे ये ठंडा होता है और मैं इसे शिफ्ट करके बाउल में आपको दिखाता हूँ, ये और गाढ़ी हो जाएगी। नहीं जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार जो है चॉकलेट सॉस या चॉकलेट स्प्रेड भी आप इसे कह सकते हैं तैयार है। आप इसे ग्लेज केक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुडिंग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म के टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी गाढ़ी बनी है। देखिए ये भी थोड़ी सी गर्म है, ठंडी होगी और थिक हो जाएगी। जैसे से आप ग्लेज के अंदर इस्तेमाल करें केक के, तो आपका केक बहुत मज़े का बनेगा, स्पेशली ब्लैक फॉरेस्ट केक में या क्रीम के अंदर मिक्स करने के लिए, व्हिप क्रीम के अंदर मिक्स करने के लिए, फ्लेवर्स के लिए। ये बहुत अच्छा चॉकलेट सॉस है, मिल्क चॉकलेट सॉस है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी मिल्क चॉकलेट सॉस की पसंद आई होगी विद कोको पाउडर के साथ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लॉड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें कि जल्द हाफिज़, टेक केयर।